मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश कहर बरपावे का तैयारी। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा आधे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बाढ़ और बिजली गिरह के हाई अलर्ट कला जारी की गया है। बुंदी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश में मात्र दो दिन का लगे मानसूनी बारिश पर ब्रेक के बाद 15 अगस्त से एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्य के बड़े क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। इस बीच मध्य प्रदेश मौसम विभाग के द्वारा 25 जिला के खातिर भारी बारिश बाढ़ के साथ बिजली गिरह के अलर्ट जारी किए गए। खासतौर पर प्रदेश के श्योपुर जिला में जारी बारिश के कारण बाढ़ के खतरा जो उन्हें लगातार बना है। उधर गुना, शिवपुरी, सागर, विदिशा, अशोकनगर, पांडुर्ना, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, रायसेन, कटनी, मंडला, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, बालाघाट और सिवनी में तेज बारिश के बाद नदी नाला में उफान आवे और कई स्थान पर पानी भरे की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के पांडुर्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडौरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, राजगढ़, रायसेन और विदिशा में भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी है। जबकि छतरपुर, सागर, दमोह, मैहर, कटनी, पन्ना, सतना, मऊगंज, रीवा, सिंगरौली, मुरैना, भिंड, दतिया, साजापुर, देवास, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, धार, झाबुआ, अलराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर और भोपाल के कई इलाकों में बिजली गिरह की आशंका जताई गई है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा।